हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि जो मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस है साउथ कोरिया से लेके छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़ तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊँगी कि हम लोगों ने कैसे टिकट बुक किया, क्या क्या किया, जो भी प्रोसीजर है वो मैं पूरा आज आप लोगों को बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी आप सबको मालूम होगा कि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है यहाँ साउथ कोरिया से इंडिया जाना या फिर इंडिया से साउथ कोरिया आना, क्योंकि यहाँ पे अभी भी बबल अरेंजमेंट जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। तो फ्लाइट्स यहाँ से काफ़ी कम हैं और लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है जाने आने में। तो अभी जो ऑप्शंस हैं ट्रैवल करने के लिए साउथ कोरिया से इंडिया या फिर इंडिया से साउथ कोरिया, उसके लिए अभी तीन ही ऑप्शन हैं। फर्स्ट, कुछ डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं जो एशियाना की हैं, एशियाना जिनको चला रहा है। ये फ्लाइट्स मंथ में कुछ ही फिक्स डेट पे रहती हैं और कुछ ही मेन सिटीज़ जो हैं इंडिया की, जैसे बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, इन सब सिटीज़ के लिए मैक्सिमम ये फ़्लाइट्स रहती हैं। और इनमें कुछ ही वीज़ा को अलाउ किया जाता है, सारे वीज़ा इसमें अलाउड नहीं रहते हैं। जो सेकंड ऑप्शन है वो है चार्टर्ड फ्लाइट, और ये भी सेम है, ये भी महीने में एक या दो दिन रहता है और ये भी कुछ स्पेशल सिटीज़ के लिए ही है और इसमें भी सारे वीज़ा को शायद अलाउड नहीं है, इसमें भी कुछ कुछ वीज़ा इसमें नहीं जा सकते। और जो थर्ड ऑप्शन है वो है ट्रांज़िट दुबई से जो होके जाता है, तो इसमें हम लोग को साउथ कोरिया से दुबई और दुबई से फिर इंडिया ऐसा टिकट बुक करना पड़ता है। तो कॉस्ट की मैं बात करूं तो जो चार्टर्ड फ्लाइट है और जो डायरेक्ट फ्लाइट है उसका कॉस्ट अभी अराउंड 80,000 आपको पर पर्सन का पड़ जाएगा, और जो ट्रांजिट है जो दुबई से इंडिया जाता है उसका कॉस्ट अराउंड 40,000 to 45,000 आपको यहाँ से, मतलब साउथ कोरिया से इंडिया का पड़ेगा। तो ये हो गए फ्लाइट्स। अब मैं बताने वाली हूँ कि क्या क्या प्रोसीजर है शुरू से लेके हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टेप हम लोग को फॉलो करने पड़ रहे हैं ट्रैवलिंग के लिए, तो वो मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। तो जो फर्स्ट चीज़ है वो हम लोग को टिकट बुक करना है सबसे पहले, तो अपना जो भी डेट फिक्स करने के बाद हम लोग को टिकट बुक करना है। और हम लोगों ने बुक किया है साउथ कोरिया टू दुबई और दुबई टू इंडिया, तो ये हम लोगों ने बुक किया है एमिरेट्स के साइट पे जाके इंचियन टू दुबई, और फिर एयर इंडिया का हमने बुक किया है दुबई टू दिल्ली, दिल्ली टू रायपुर, तो हमने ये ऐसा बुक किया हुआ है। और इसमें एक चीज़ और है कि अगर आप एयर इंडिया का ही बुक करते हैं तो एमिरेट्स से जो एयर इंडिया में जो लगेज ट्रांसफ़र है वो उन लोग करके देते हैं, तो उसमें हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा सबने बताया है। और अगर आप दूसरी फ्लाइट लेते हैं वहाँ से इंडिगो या फिर और कोई सी फ्लाइट लेते हैं तो आप लोगों को वहाँ पर मरवा सर्विस से कॉन्टेक्ट करके अपना लगेज ट्रांसफ़र आप वहाँ पर करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को टिकट बुक करना है, और टिकट बुक करने के बाद अगर आप लोगों को आप जाके कोरिया फिर वापस आना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग को री एंट्री परमिट फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोगों को www.highkorea.go.kr इस पर आप लोग जाके ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, और ये मैक्सिमम 1 ईयर का रहेगा जो री एंट्री परमिट है आपका, जो ARC कार्ड का जो भी एक्सपायरी है उसके हिसाब से ये रहेगा। तो आपको ट्रैवलिंग के 5 डेज पहले इसको री एंट्री परमिट को फिल करना होगा। दूसरा जो स्टेप है उसके बाद आप लोग को क्या करना है, एयर सुविधा है उसमें, मतलब कि आप लोगों को www.newdelhiairport.in इस साइट पे जाके आप लोगों को एक सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर्म फिल करना है। ये इसको फिल आप पहले कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप लोगों को RT-PCR टेस्ट कराना है, और RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद इसमें एक और फॉर्म है सेल्फ एग्जम्पशन फॉर्म, तो उसको आप लोगों को फिल करना है। मतलब सेल्फ रिपोर्टिंग को आप पहले फिल कर देंगे और RT-PCR आने के बाद आप सेल्फ एग्जम्पशन फॉर्म को फिल करेंगे, तो ये करना है। और इस फॉर्म को, सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर्म को फिल करने के बाद आपको RT-PCR टेस्ट कराना है,
और इसके लिए कुछ स्पेशल हॉस्पिटल्स हैं, वहीं पे जाके आप लोगों को टेस्ट कराना है। तो इसकी लिस्ट आप लोग अपने अपने एरिया वाइज आप देख सकते हैं, या फिर जो भी हमारा टेलीग्राम में यहाँ पे ग्रुप है इंडियंस का कोरिया के, उसमें आप पूछ सकते हैं, उसमें से देख सकते हैं, आप लोगों को उसमें मिल जाएगा। और फोर्थ चीज़ है, आप लोगों को आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करके रखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इतना आप लोगों को करना है। तो ये तो हो गया पूरा प्रोसीजर कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे पूरा स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को करना है। और उसके बाद अब मैं आप लोगों को हमारा जो ट्रैवल एक्सपीरियंस रहा है वो मैं शेयर करूँगी। तो जो भी होते जाएगा वो मैं धीरे धीरे रिकॉर्ड करते जाऊँगी, और लास्ट में फिर मैं आप लोगों को ये सारा ट्रैवल एक्सपीरियंस एक साथ मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। आर्टिफिशियल में बस सब ठीक है तो साला 1,60,000 ले ली। अभी हम लोग आए थे कोरोना टेस्ट के लिए। हम लोग हिंगबुंग में रहते हैं, तो हमको देगू पास है हमारे यहाँ से। तो यहाँ हम लोग यमनम यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर जो पास है हमारे घर से देगू में है, तो यहाँ पे आए थे हम लोग टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, यहाँ वाले लोग इंग्लिश समझते हैं। और बाहर में ही 4 काउंटर बना हुआ है कोरोना के लिए अलग से, तो आप पहुँचेंगे तो आपको दिख जाएगा पार्किंग की तरफ, तो वहीं आपको सीधे जाना है और चारों काउंटर में फिर जो भी प्रोसीजर है वो करना है, फिर टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हॉस्पिटल अंदर जाके फर्स्ट फ्लोर पे 50 नंबर पे आप जाएंगे, तो वहाँ इंटरनेशनल मेडिकल हेल्थ सेंटर लिखा हुआ आपको दिखेगा, तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं, वहाँ से फिर आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। और आपको अपना जो भी RC कार्ड है वो सब ले कर आना है। और जो कॉस्ट है यहाँ पर वो हम लोग को लगा 1,63,000 won पर पर्सन। तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि ये लोग इंग्लिश बोल ले रहे थे और इंटरनेशनल हेल्थ सेंटर वाले भी काफ़ी हेल्प कर देंगे, तो काफ़ी स्मूथ टेस्ट हो गया यहाँ पे। कोरिया एयरपोर्ट पे भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुआ हम लोग को, वहाँ पे केवल सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर्म को ज़्यादा मतलब मांग रहे थे, देख रहे थे, चेक कर रहे थे कि आपने आपको इंडिया जाना है तो आपने सेल्फ रिपोर्टिंग की है या नहीं ऑनलाइन। तो आप अगर सेल्फ रिपोर्टिंग करते हैं तो उसकी एक फ़ोटोकॉपी साथ में रखें, और जो भी आपका RT-PCR टेस्ट है वो सब उसमें आप अपलोड कर चुके होते हैं, तो उतना नहीं पूछते, पर वो सब आपको रखना है। RT-PCR रिपोर्ट, सेल्फ रिपोर्टिंग, जो भी आपका रहेगा फॉर्म, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर लेके जानी है। तो फिर वहाँ पर इतना ज़्यादा कचकच कुछ नहीं हो रहा था, वो केवल चेक कर रहे थे, उसके बाद आपको जाने दे रहे थे। उसके बाद दुबई एयरपोर्ट पे आपको सबसे पहले इमिग्रेशन कराना है, और इमिग्रेशन के बाद फिर आपको वो लोग आपके फ्लाई आपको जाके 16 नंबर पे वहाँ पे जो भी रहेंगे उनसे बात करना है, आपको बताना है कि आपको इंडिया जाना है। तो वहाँ पे क्या है, तो दुबई एयरपोर्ट पे जो Terminal 3 है और Terminal 2 है वो अलग अलग जगह पे है, तो ज़्यादातर जो इंडिया की फ़्लाइट है वो Terminal 2 से होती है। तो आपको वहाँ पे जो भी रहेंगे उनसे बात करके पूछ के आपको बताना है आपको इंडिया जाना है, तो वो आपके फ़्लाइट के टाइमिंग के हिसाब से आपको बस से Terminal 3 से Terminal 2 पे लेके जाएंगे, और फिर Terminal 2 पे ही आपको आपकी जो भी बोर्डिंग पासेस हैं वो सारी चीज़ें मिलेंगी, और वहाँ से फिर आपको फ़्लाइट मिलेगा। उसके बाद दिल्ली पहुँचने के बाद दिल्ली में भी सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर्म को सबसे पहले चेक कर रहे हैं, अगर किसी के पास नहीं है तो RT-PCR ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, और अगर सेल्फ रिपोर्टिंग है आपके पास तो उस पर वो सील लगाएंगे, और फिर बाकी जो भी पूरा प्रोसीजर रहता है वो सारी चीज़ें करेंगे, और फिर आपको जाने दिया जाएगा। लेकिन जब भी आप दुबई टू दिल्ली या कहीं से भी दिल्ली का करेंगे, और दिल्ली से कहीं और आपके आगे फ़्लाइट है, जैसे कि हमारी दिल्ली से रायपुर थी, तो आप कम से कम 5 आवर का गैप लेके चलें, क्योंकि वहाँ पे 2-3 घंटे तो सारी चीज़ें चेक कराने में लग जाती है। हम लोगों का फ़्लाइट जो दुबई से दिल्ली था वो थोड़ा लेट हो गया था, तो हम लोग को वहाँ पे 1-1.5 घंटा का ही टाइम मिला था। वो तो वहाँ पे एयर इंडिया वालों ने काफ़ी हेल्प किया और सारा जो प्रोसीजर था वो जल्दी जल्दी करा दिया, तो फिर हम लोगों को जल्दी हम लोगों ने फ़्लाइट पकड़ ली थी। अदरवाइज़ अगर हम लाइन लगा के सारी चीज़ें करते तो हमारी फ़्लाइट छूट जाती। तो अगर आप जब भी
करते हैं ये फॉरेन से, जब भी आप दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली से आगे कहीं और आपकी फ़्लाइट है तो बीच में जो गैप है वो कम से कम 4 से 5 घंटे का ज़रूर लेके चलें। तो ओवरऑल हमारा जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस था वो ठीक था, कहीं भी हमको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, हम लोग सही से घर पहुँच गए। तो ये था मेरा साउथ कोरिया से छत्तीसगढ़ आने का एक्सपीरियंस। अगर कुछ भी आपको पूछना है या जानना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और किसी को अगर इससे हेल्प होती है तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।